जैसे ही वो फूल के नजदीक जाती है तो फौरन वहां एक चुड़ैल आ जाती है और वो आलिया नागिन को जोर का धक्का देती है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तो नागों की तरह लड़ो, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे हराती हो। तुम मुझे चुनौती दे रही हो तो ठीक है, मैं भी नागों की तरह तुमसे लड़ूंगी। एक दफा का जिक्र है, अमेज़न के जंगल में आलिया नागिन अपने पति मोटू नाग के साथ रहती थी। एक दिन मोटू नाग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आलिया नागिन बहुत परेशान हो जाती है। कोई भी दवा मोटू नाग पर असर नहीं करती, तो आलिया नागिन एक बूढ़े बाबा को बुलाती है और बूढ़ा बाबा कहता है, बेटी, तेरे पति पर कोई दवा असर नहीं करेगी। बाबा आप कैसे भी करके मेरे पति को ठीक कर दें, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मोटू नाग तुम्हें क्या हो गया? उठो मोटू नाग। इसका इलाज है पर दूर है। क्या तुम मोटू नाग को जिंदा देखना चाहती हो? तो सुनो, जंगल के उस पार एक नदी है। वहां पर साल में एक दफा फूल उगता है और उस फूल की हिफाजत करती है एक चुड़ैल। अगर तुम वो फूल लाने में कामयाब हो गई तो मोटू नाग ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस फूल के रस में एक ताकत है। बाबा मैं मोटू नांग को बचाने के लिए वहां जाऊंगी। वो चुड़ैल तुम्हारा मुकाबला करेगी। तुम्हें उससे मुकाबला करने के लिए एक चांदी का खंजर लेकर जाना होगा। आलिया नागिन फूल लाने के लिए उस जंगल में चली जाती है। वहां जाकर उसे एक फूल दिखाई देता है, लेकिन आसपास उसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती। जैसे ही वो फूल के नजदीक जाती है तो फौरन वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और वो आलिया नागिन को जोर का धक्का देती है। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? तो नागों की तरह लड़ो, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कैसे हराती हो। तुम मुझे चुनौती दे रही हो तो ठीक है, मैं भी नागों की तरह तुमसे लड़ूंगी। चुड़ैल आलिया नागिन की बात मानकर नागों की तरह लड़ने लगती है। आलिया नागिन उसके वार को चुकाते चुकाते हुए उसे वो खंजर मार देती है और वो चुड़ैल वहीं मर जाती है। आलिया नागिन वो फूल लेकर चली आती है और वो फूल बाबा जी मोटू नाग को रगड़ कर पिला देते हैं। मोटू नाग फिर ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ चुड़ैल की बहन वहां आती है और चुड़ैल की आत्मा अभी वहां भटक रही थी और वो अपनी बहन से कहती है, मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। मुझे आलिया नागिन ने मारा है बहन, वो अभी तक जिंदा है। तुम मेरा बदला पूरा करोगी बहन? मैं तेरा बदला उस नागिन से जरूर लूंगी बहन, तुम फिक्र ना करो। चुड़ैल की बहन वहां से निकलकर उस जंगल में आ जाती है और वो एक नदी देखती है। वो अपने जादू से उस नदी में जहर डाल कर वहां से चली जाती है। और ये सब पतलू नाग देख रहा होता है। चुड़ैल की नजर जब पतलू नाग पर जाती है तो वो चुड़ैल पतलू नाग को उठाकर ऊंचाई से जमीन पर पटक देती है। चुड़ैल को लगता है कि पतलू नाग मर गया है, लेकिन वो जिंदा होता है। पतलू नाग जैसे तैसे करके आलिया नागिन के पास जाता है और उसे कहता है, आलिया बहन, हमारे गांव की नदी में जहां सब पानी पीते हैं वहां पर एक चुड़ैल ने जहर फेंक दिया है। अब हम पानी कहां से पिएंगे? हमारा क्या होगा? मोटू नाग सबको पानी पीने से रोको, जाओ जंगल में ऐलान कर दो। सुनो 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 जंगल वासियों, सुनो, जंगल की नदी से कोई पानी न पिए, चुड़ैल ने उसमें जहर मिला दिया है। सुनो सुनो सुनो। आलिया नागिन जल्दी जल्दी जंगल के साधु बाबा को नदी के किनारे लेकर जाती है। नदी का पानी पूरा हरा बन चुका था। तब साधु बाबा आलिया नागिन से कहते हैं, जहर को जहर से ही मारा जाता है,
इसलिए आपको जाकर रेगिस्तान में जहरीले कुएं का पानी लाना होगा, तभी इस नदी के पानी से जहर खत्म हो सकता है। लेकिन वहां कुएं में एक चुड़ैल रहती है, उस चुड़ैल की इजाजत के बगैर पानी लेकर आने पर वो पानी काम नहीं करेगा, इसलिए उसकी इजाजत से पानी लाना। आलिया नागिन उस रेगिस्तान के कुएं से पानी लाने जाती है। आलिया नागिन जैसे ही कुएं के पास जाती है तो चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है और कहती है, अगर तुम्हें इस कुएं का पानी चाहिए तो मुझे वो चांदी का खंजर देना होगा, फिर मैं आपको कुएं का पानी दूंगी। आलिया नागिन वो खंजर कुएं की चुड़ैल को दे देती है और वो आलिया नागिन को एक कटोरी जहरीला पानी देती है। इस पानी को लेकर आलिया नागिन उस नदी के पास आ जाती है। और वो जैसे ही नदी में पानी फेंकती है तो नदी का पानी अपनी असली हालत में आ जाता है और सब जंगल वाले खुश हो जाते हैं और फिर सब हंसी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को